मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया चल रहा है। आज तो दिवाली का दिन और अब देखो जा रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ नोएडा। नोएडा में कुछ काम है, देखो वहाँ से काम करके बहुत दिनों बाद जा रहा हूँ नोएडा। मतलब मेरे को लगता है 6 महीने हो गए होंगे, 6-8 में अगस्त सेप्टेम्बर, हाँ वही 6-8 महीने हो गए होंगे मुझे नोएडा जाके। तो एक बार पहुँचते हैं नोएडा, देखते हैं आज वहाँ क्या प्रोग्राम है और फिर वहाँ से आएंगे वापस गुड़गांव। जाम लगता है इस रोड में, इससे कोई बच सकता है क्या? मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? मस्त है, दोबारा हो गया ही है लगता है। बताऊँ कैसे ड्राइव कर रहे हैं, नंबर प्लेट भी देख लो, उसका डैमेज है और बहुत ही गंदे तरीके से ड्राइव कर रहा है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता। पोल्यूशन इसको बोलते हैं, एम्स हॉस्पिटल है और इसका सामने ये देखो क्वार्टर्स बने हैं। ये तो मेरे सामने ही बना है और ये सामने देखो क्या गंदगी, भाई साहब पोल्यूशन देख रहे हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, धुआं है ये सब। और ये सब आ रहा है पंजाब से, हरियाणा से, मतलब पता नहीं क्या है, कभी भी मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा। पहले ऐसा था कि पंजाब में दूसरी गवर्नमेंट है तो मतलब पोल्यूशन कर रहा है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है यार, पॉलिटिक्स का कुछ नहीं कर सकते। और धुआं से देख रहे हो कैसे भर गया एकदम, तो सब गैस चैम्बर बोल रहे हैं। बट क्या करते हैं, एक बार बारिश हो जाए या हवा तेज चल जाए तो ये साफ हो जाए, बट हो नहीं रहा। तिरंगा लगा है, हवा ही नहीं चल रहा कि ये लहरा जाए, लहराने के लिए तो हवा चाहिए। देख रहे हो ये मतलब दिल्ली में बहुत लोकेशन पे, मतलब पता नहीं कि ये देखो यहाँ भी लगा है, देख रहे हो सामने दिख ही रहा होगा आपको, तो मतलब ऑलमोस्ट कवर्ड है कि हाँ भाई फ्लैग है, इंडियन फ्लैग हर जगह देख रहे हो यहाँ पे, ये सामने अच्छा लगता है, हर जगह गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया है। इस फ्लाईओवर पे मैं पहली बार चढ़ा हूँ, पहली बार, और ये बन रहा था तो मैं हमेशा नोएडा जाता आते रहता था, यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत लगता था, तो आज फर्स्ट टाइम इस नए फ्लाईओवर पे मैं मतलब चढ़ के नोएडा जा रहा हूँ। उस मतलब इसके रेडी होने के बाद मैं आया ही नहीं कभी। अभी देखो ये मस्त हो गया, मतलब नीचे कोई टच नहीं, लाजपत नगर से एक बार चढ़ो और नीचे तक सीधे मतलब नोएडा DND तक आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत अच्छा। क्या यार मतलब ट्रैफिक जाम से बच गया आदमी और बहुत सारी दिक्कतें थी यहाँ पे यार, सब खत्म। गाइस कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, और अभी मैं यहाँ से अब निकलूँगा सीधे घर। देखो दिवाली कितनी तैयारियाँ दिवाली की, तो भाई लोग आज का दिन तो बड़ा हेक्टिक रहा, भाग दौड़ ये वो मैं बीत गया। अब कल कैसे होगा, कल एक छोटा सा इनॉग्रेशन है उसमें जाना है, तो इनोग्रेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ और काम भी है देखेंगे, काम करके फिर वहाँ से निकलेंगे। अब तो दीपावली का पूरा माहौल हो गया है तो कुछ खास होगा नहीं, सारी जगह छुट्टियाँ हैं तो देख लेंगे। भाई लो देख लो पीछे कितना डेकोरेशन है, अभी जा रहे हैं काम करके फिर यहाँ से निकलेंगे। भाई लोग घर पहुँच गए, और घर पहुँच के इतना लेट हो गया मत पूछो, सामान मिलाना था और इन महाराज को देखिए सो गया है तो उठेगा भी नहीं। अभी हर तरफ दीपावली का भीड़ है, हर तरफ मार्केट में लाइट बल्ब अलग अलग टाइप के गिफ्ट्स पता नहीं क्या क्या बिक रहे हैं, और इतना ट्रैफिक है। और कल इसी में जाना है एक जगह इनॉग्रेशन में, तो देखेंगे कैसे होता है क्या है, पता नहीं बाल कब आएंगे पता नहीं, तो एक बार कल खाना भी हो गया। और देखो ये महाराज सो जाता है रोज, तो गाइस अभी देखो ऐसा करा है किसी ने बाहर में डेकोरेशन।
देख रहे हो कैसे डेकोरेट किया है। तो यहाँ पर डेकोरेशन भी हो गया है, पता नहीं कौन किया है। तो ठीक है गाइस, अभी सोएंगे, बहुत टायर्ड है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।